हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग्स में गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एंड हैप्लॉइड मेल गैमेट। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू मेन प्रोसेस ऑकर, दैट इज़ गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है ये देखने से पहले हम गैमेट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अभी देखेंगे हम गैमेट्स क्या है। गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। अब ये जो गैमेट है उसको रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्स सेल भी कहा जाता है। तो स्पर्म्स क्या है? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ मेल फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्यूरेशन टिल डेथ। अब जब मेल का मैच्यूरेशन पीरियड आता है उसे प्यूबर्टी टाइम भी कहते हैं, तो वो टाइम में स्पर्म फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है टिल डेथ तक के। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रही है। ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि स्पर्म हैव थ्री पोर्शन, दैट इज टेल, मिडल पीस एंड हेड। अब टेल का फंक्शन क्या है स्पर्म में? टेल क्या करता है? इट गिव्स मोशन टू स्पर्म। अब जो मिडल पीस दिखाई दे रहा है वो मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल, इट गिव्स एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी एनर्जी मिलेगी वो जब ये स्पर्म ट्रैवल करेगा टूवर्ड एक, तो तब ये एनर्जी ये स्पर्म को प्रोवाइड की जाएगी। और थर्ड पोर्शन है हेड। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस हैव जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे हेड के सामने एक एक्रोसोम नाम का एक लेबल दिखाई दे रहा है। तो ये एक्रोसोम क्या है? इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। एंड इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प टू एंटर इनटू एक प्रोटेक्टिव कोट। एक का जो आउटर प्रोटेक्टिव कोट होता है उसके अंदर एंट्री करने के लिए हेल्प कौन करता है? ये एक्रोसोम स्पर्म को हेल्प करता है। नाउ सेकेंड गैमेट है ओवम। एग आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी ऑफ फीमेल। अब ये फीमेल में प्रोड्यूस्ड होते हैं। जब बेबी गर्ल का बर्थ होता है तभी से वो बेबी गर्ल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 to 4 million इमैच्योर एग्स वहाँ पे होते हैं। ये जो एग्स है ये एवरी मंथ वन बाय वन रिलीज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेबी गर्ल के मैच्यूरेशन पीरियड के बाद ही स्टार्ट होता है। जब बेबी गर्ल का मैच्यूरेशन पीरियड आता है तभी ये जो इमैच्योर एग है वहाँ से वन बाय वन एग रिलीज होना स्टार्ट होता है। और जब मेनोपॉज की स्टेप आती है, मेनोपॉज दैट मीन्स 45 to 50 ईयर में जब मेनोपॉज आता है, तब जो ओवरी में एग्स होते हैं वो एग वहाँ से हर मंथ रिलीज करना स्टॉप हो जाता है। वो प्रोसेस को मेनोपॉज बोलेंगे। तो ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में नेक्स्ट वीडियो में। नाउ अब हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। गैमेट्स दैट इज जर्म सेल्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ एंड हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। ह्यूमन बींग्स हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये डायग्राम में यहाँ पे फादर और यहाँ पे मदर मैंने लेबल किया है। तो ये मेल है, ये फीमेल है। मेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट ये जो मियोसिस प्रोसेस है, मियोसिस प्रोसेस में जो फर्स्ट डिवीजन होता है तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ नंबर में हो जाता है, दैट इज़ 23 23। और जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है मेल में तो स्पर्म में वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। और मदर जो एग्स प्रोड्यूस करती है वो एग में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आगे कैरी ऑन करते हैं।
और ये जब फ्यूज हो गए स्पर्म एंड ओवम, जब फ्यूज हो गए तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और जायगोट फॉर्मेशन होगा। तो ये है गैमेट फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है। इन दिस प्रोसेस अ डिप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म। डिप्लॉइड बोला है यहाँ पे, जो गैमेट फॉर्मेशन में 23 मेल से क्रोमोसोम आते हैं और 23 नंबर फीमेल में आते हैं, फीमेल से आते हैं, दैट इज हैप्लॉइड। और ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होता है बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड एंड मेल एंड फीमेल गैमेट। दैट इज डिप्लॉइड जायगोट कब फॉर्म होगा, जब मेल से हैप्लॉइड मेल गैमेट और फीमेल से हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तब डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई है मैंने, यहाँ पे जब मेल से स्पर्म आते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म वहाँ से कैरी ऑन होते हैं, बहुत से नंबर में वो स्पर्म आते हैं और एक के आउटर साइड में वो जॉइन होते हैं और वहाँ से सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम में एंट्री ले सकता है और ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के साथ एक ही स्पर्म वहाँ पे जॉइन हो सकता है। तो ये है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। यहाँ पे मैंने एक इन डिटेल थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गैमेट, फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इट इज़ कॉल्ड स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट कॉल्ड एग सेल। उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके यहाँ पे देखिए फ्यूजन होगा, फ्यूजन में जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का नेक्स्ट कन्वर्शन होगा एम्ब्रियो में और आफ्टर 9 मंथ न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप्ड होगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होती है और आफ्टर कुछ मंथ के बाद वो जो जायगोट है जिसका एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हुआ है वो एम्ब्रियो यूटेरस की तरफ ट्रैवल करता है और यूटेरस में 9 मंथ के लिए बेबी वहाँ पे होल्ड की जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुई, दैट इज़ गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में कैसे होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।